राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा। सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। कुछ देर के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। राज्यसभा चेयरमैन ने ठुकराई विपक्ष की मांग। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्ताव के दौरान कल मुद्दा उठाने को कहा। मांग नहीं माने जाने से नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से बायकॉट किया। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी और डीएमके समेत सभी विपक्षी सांसद निकले बाहर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया। कहा, पूछ की रात में धरने पर बैठे हैं किसान, जन सरोकार के मुद्दे पर सदन में हो चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो हंगामा होगा ही, संसद में नहीं चर्चा तो कहां होगी। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सवाल पूछा, किसान देश का दुश्मन है क्या? तीनों बॉर्डर पर ऐसी तैयारी की है जैसे दुश्मन सेना के लिए जाती है। किसानों के समर्थन में उतरी शिवसेना, गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों से मिलेंगे शिवसेना के सभी सांसद। संजय राउत ने किया ऐलान। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने कई गुना बढ़ाई बैरिकेड, नुकीले लोहे की कीलों को बिछाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों तरफ नुकीली तार लगाई, रोड के अलावा झाड़ियों में भी फेंसिंग, कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उनकी मेहनत को सराहा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस कटीले तार लगाकर रोक रही लोगों के आने जाने का रास्ता, एम्बुलेंस का भी रास्ता रोका जा रहा। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा घेरा तोड़ना मुश्किल होगा, बैरिकेड के ऊपर कटीले तार भी लगाए। टिकरी बॉर्डर पर भी गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जैसा ही नजारा, पुलिस ने बैरिकेड पर कटीली तारें लगाई, रोड पर बिछाई लोहे की कील। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने तैयार की सड़क पर कॉन्क्रीट की दीवार, पुलिस ने तैयार किया फुल प्रूफ सुरक्षा कवच। दिल्ली में किसानों के धरने स्थलों पर पुलिस के कटीले तार और कील बिछाने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार का काम पुल बनाना, दीवार बनाना नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर किया जाएगा चक्का जाम। बिजनौर महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब, मंच से बोले किसान नेता टिकैत, के आंसुओं ने खोली देश की आंखें, कानून रद्द होने तक नहीं हटेंगे पीछे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर आम सहमति बनाने की होगी कोशिश। दिल्ली दंगे के आरोपियों के समर्थन में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट कर कहा, दंगे के आरोपियों के केस लड़ेगी पंजाब कांग्रेस। अमरिंदर सिंह ने कहा, दंगे के आरोपियों के केस लड़ने के लिए 70 वकीलों की टीम की व्यवस्था की। कहा, दंगे के बाद लापता किसानों का मुद्दा गृह मंत्रालय के सामने रखूंगा। लाल किला हिंसा मामले का आकाशप्रीत सिंह नाम का एक और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। हिंसा मामले में अब तक 44 FIR दर्ज की गई, कुल 128 लोग गिरफ्तार किए गए। बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी जारी, आज 980 अंकों की उछाल के साथ खुला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स निफ्टी में भी तेजी। 2 सरकारी और 1 बीमा कंपनी का होगा विनिवेश, 2021 में आएगा LIC का IPO। बीमा सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को अनुमति, FDI 49% से बढ़कर 74% की गई। वित्त मंत्री ने कहा, डूबने वाले बैंकों को बचाएगी सरकार, सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ का बजट। अगले साल तक कई PSU का होगा विनिवेश, वित्त मंत्री ने कहा, विनिवेश से सरकार को 1.75 लाख करोड़ मिलेंगे। बजट में एग्रो डेवलपमेंट सेस का ऐलान, पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए का लगेगा एग्री इंफ्रा सेस। तेल में दामों में बढ़ोतरी से आम जनता पर नहीं पड़ेगा इसका कोई असर, सरकार ने सेस लगाया लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई। सोने के बार पर देना होगा एग्रो इंफ्रा सेस, सरकार ने बजट पर 2.5% सेस का किया ऐलान। विदेशी सेब पर 35, विदेशी काबुली चने पर 30, नारियल तेल पर 20% सेस, विदेशी सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर भी सेस लगा। स्वास्थ्य बजट में की गई 137% की वृद्धि, 2,38,000 करोड़ रुपए आवंटित, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा, योजना पर अगले 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बढ़ाया, गांव में 17,000, शहर में 11,000 हेल्थ सेंटर्स बनाने का लक्ष्य। रक्षा बजट के लिए वित्त मंत्री ने की 4,78,00,000 करोड़ रुपए की घोषणा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान, रेलवे के लिए बजट में 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान। 75 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट, पेंशन के बजाय पेंशन और ब्याज से ही अब आय तो नहीं भरना होगा ITR। वित्त मंत्री के बजट से मिडिल क्लास को नहीं मिली कोई राहत, सरकार ने आयकर टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का दिया जवाब। इंडिया टीवी से खास बातचीत में कंफ्यूजन किया दूर, कहा हमने जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सेस लगने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में एक भी पैसे की वृद्धि नहीं। निर्मला सीतारमण ने कहा डिफेंस का बजट कम नहीं हुआ है, घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बेचना ही फायदेमंद। विपक्ष की आलोचनाओं पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या चुनाव की वजह से सड़क निर्माण और पोर्ट बनाने का काम बंद कर दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल साल 2021-22 के लिए पेश किया आम बजट, खेती, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस। पीएम मोदी ने बजट को आत्मविश्वास वाला बताया, कहा ऐसा बजट बहुत कम देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने कहा इस बजट के दिल में गांव और किसान, किसानों की आय बढ़ाना है फोकस। बजट में एपीएमसी मंडियों का और मजबूत करने का प्रावधान, पीएम मोदी ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने बजट को युवाओं को नए अवसर देने वाला बजट बताया, कहा बजट से सकारात्मक बदलाव आएगा। पीएम मोदी ने कहा इन्वेस्टर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, नियम और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाला बताया, पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद से बेहतर बजट करार दिया, कहा पहले भी 5 मिनी बजट हुए थे पेश, लोगों को नहीं थी ऐसे बजट की उम्मीद। बजट पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। बजट पर राहुल गांधी की तल्ख टिप्पणी, कहा बजट में देश की संपत्तियों को पूंजीपति मित्रों को सौंपने का प्रावधान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा बजट में राहुल कैसे खुश होंगे, किसानों को वाया जीजाजी पैसा जाता तो खुश होते। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा है हिम्मत तो सदन में बजट पर करें बहस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को व्यवहारिक बताया, कहा बजट में समाज के हर तबके के लिए प्रावधान। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बजट में किसानों के लिए ऐलान पर जताई निराशा, कहा आंकड़ों से खत्म नहीं होगा आंदोलन। बजट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी, सरकार ने खुद को बचाने के लिए निजीकरण की राह पकड़ी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट को किसान, जनता और देश विरोधी बताया, कहा पीएसयू से लेकर इंश्योरेंस कंपनियों तक को बेच रहे हैं। बजट के बाद महाराष्ट्र से सीएम उद्धव ठाकरे भी निराश नजर आए, बोले बजट देश के लिए होता है, चुनाव के लिए नहीं, कुछ ही राज्यों को तरजीह देने का आरोप लगाया। बजट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, पूछा क्या इसी बजट से किसानों की आय दोगुनी होगी और रोजगार पैदा होंगे। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बजट में किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं हुआ। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्क्रैप पॉलिसी 15 दिनों के अंदर घोषित करूंगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर तंज कसा, कहा विकास नहीं देश को बेचना बताया। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बजट को संतुलित कहा, कोरोना महामारी के बावजूद इससे संतुलित बजट नहीं हो सकता। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे खुशी जताई, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सपना साकार होने की बात कही। बजट पर मायावती ने कहा लुभावने वायदे और आश्वासनों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, जमीनी स्तर पर काम करे सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट को दिल्ली के साथ धोखा करार दिया, कहा दिल्ली के लिए 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया गया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बजट की तारीफ की, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट को विकास पर केंद्रित बताया, विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार तैयार, कहा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बजट के आम आदमी के लिए अच्छा बताया, कहा कोई नया कर नहीं लगना बड़ी बात। पीएम मोदी ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट के सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नॉर्थ बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज फलकटा और अलीपुर द्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। सीएम ममता बनर्जी के एक और विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, डायमंड हार्बर से विधायक हैं दीपक। कर्नाटक के गुलबर्गा में असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया, कहा बीफ खाने से सेहत रहती है ठीक, गरीबों के पास महंगी दाल खाने के लिए पैसे नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा बीफ नहीं खाने को बोलते हैं मोदी, गरीब जानवर नहीं काटेगा तो हो जाएगा बेरोजगार। ओवैसी ने कहा दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा गोकशी के खिलाफ कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान का दूसरा चरण शुरू, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में डोर टू डोर अभियान शुरू किया। चंपत राय ने कहा अब तक राम मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान, अब 11 करोड़ परिवारों से लिया जाएगा चंदा। कर्नाटक में 7 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज, बंगलुरु समेत 30 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। देश में कोरोना मामलों में भारी कमी दर्ज की गई, एक दिन में 8,635 नए मामले सिर्फ सामने आए।
दिल्ली में 9 महीने बाद कोरोना में सबसे कम मौत हुई। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 लोगों ने जान गंवाई। पूरे देश में एक दिन में मौत का आंकड़ा 100 से नीचे पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 1948 नए मामले सामने आए। 27 संक्रमितों ने दम तोड़ा। राज्य में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में मोर सहित कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। उधमपुर के धंडल पंचायत में अलर्ट जारी। प्रशासन SOP के तहत उठा रहा है कदम। पाकिस्तान में पहुंची चीन की पहली वैक्सीन। विशेष विमान से रावलपिंडी एयरबेस पहुंची वैक्सीन की 5,00,000 डोज। मध्य प्रदेश के इंदौर में होटल और ढाबों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध तरीके से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में बेकाबू ट्रक ने PAC जवानों की गाड़ी को मारी टक्कर। 2 जवानों की मौत हुई। किसान आंदोलन के कारण ड्यूटी पर तैनात थे PAC जवान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ट्रैफिक पुलिस को रोककर मारकर फरार हुआ बाइक सवार। हेलमेट नहीं पहनने पर नाके पर रोका था। यवतमाल में पोलियो टीकाकरण के दौरान लापरवाही। दवा की जगह सैनिटाइजर की 2 बूंद पिलाई गई। 12 बच्चे अस्पताल पहुंचे। वैक्सीनेशन सेंटर के स्वास्थ्य अधिकारी समेत 3 सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना देवदूत बनी। खाई में गिरी कार। जवानों ने 5 लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग के दौरान रास्ता भटकने वाले 5 ब्रिटेन के नागरिकों को बचाया। सेना ने दी जानकारी। आंध्र में महिला सब इंस्पेक्टर सिरिशा ने पेश की मानवता की मिसाल। भिखारी का शव 2 किलोमीटर तक कंधे पर लेकर चली और अंतिम संस्कार तक किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच आर्मी की जिप्सी में हुआ बच्ची का जन्म। बच्ची और मां दोनों स्वस्थ। बर्फबारी की वजह से नहीं भेजा जा सकता था एम्बुलेंस को। तमिलनाडु के मदुरई में 2 मंजिला इमारत ढही मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई। 3 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। भिवंडी में मकान ढहा 2 लोगों की मौत कुछ लोग जख्मी। त्रिपुरा में तेल टैंकर में 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 1200 किलो गांजा जब्त किया। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। शिमला कालका रूट पर 2 और ट्रेन चलना शुरू हुई। रूट पर चलने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 4 हुई। कोरोना के कारण पिछले 10 महीने से ट्रेन सेवा प्रभावित थी। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 10 सेनेटर से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रिपब्लिकन सांसदों ने $618 अरब के कोरोना राहत पैकेज का रखा है प्रस्ताव। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की राजधानी में सुरक्षा कड़ी की गई। कई जगह बैरिकेडिंग की गई। आंग सान सू ची समेत कई बड़े नेता है नजरबंद। नासा ने भारतीय मूल की भव्या लाल को बनाया कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम के साथ कर चुके हैं काम। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर से मैनहट्टन इलाके तक बर्फ की मोटी परत जमी। पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर ने इंग्लैंड को किया खबरदार। भारत के खिलाफ अनुभवी स्पिनर मोइन अली को नहीं खिलाना गलती होगी।